अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन की शारीरिक क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। ट्रंप ने लॉस वेगास में होने वाली अंतिम बहस से पहले हिलेरी को ड्रग टेस्ट कराने की चुनौती दी है। दरअसल ट्रंप ने हिलेरी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली बहस की शुरुआत में हिलेरी ताकत से लबरेज थी, लेकिन बहस के अंत में निढाल हो गई और बड़ी मुश्किल से अपनी कार के पास पहुंच सकी। ऐसे में मैं समझता हूं कि हमें ड्रग टेस्ट देना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने अपने अप्रमाणित दावे के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप लगातार हिलेरी पर आरोप लगाते आए हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो शारीरिक क्षमता चाहिए वो हिलेरी में नहीं है। बहरहाल एक तरफ जहां ट्रंप पर महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, तो वहीं ट्रंप ने हिलेरी पर निजी हमले बढ़ाते हुए उन्हें क्रूक्ड हिलेरी कहना शुरू कर दिया है। हिलेरी और ट्रंप के बीच तीसरी और आखिरी बहस 19 अक्टूबर को लॉस वेगास में होगी। ऐसे में ट्रंप की ड्रग टेस्ट कराने की मांग मानी जाएगी या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।